आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। संडे का दिन सुकून से भरा हुआ दिन होता है, तो आज सुकून के बीच एक बहुत ही खास शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड लेकर आ गया हूं मैं सिद्धार्थ 92.7 बिग एफएम पर। ऐसा कहा जाता है, कहावत है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। जब भी कोई स्टार अपने स्टारडम के पीक पर होता है, हर कोई उसी की बात कर रहा होता है, उसी को लेकर फिल्म बनाना चाहता है, उसके यहाँ पार्टीज होती हैं। लेकिन जब वो स्टार नहीं होता है तो क्या हम उन्हें भूल जाते हैं? होता है, कई बार ऐसा होता है, ये रियलिटी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं और हमें उन लोगों की याद बराबर दिलाते रहते हैं। शशि कपूर साहब की अगर बात करें, ऐसा फ्लैम्बॉयंस, ऐसी एनर्जी किस स्टार में हमें दिखाई दी है, इतना चार्मिंग स्टार। लेकिन क्या आज हम उन्हें भूलते जा रहे हैं? उन्हें याद दिलाने के लिए एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन कोशिश, एक बहुत ही उम्दा किताब के जरिए, जिसका नाम है शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार, और इसे लिखा है जाने माने फिल्म जर्नलिस्ट जो न्यूयॉर्क में रहते हैं और खासतौर पर बातचीत के लिए और बुक लॉन्च के लिए यहाँ पे आए, असीम छाबड़ा साहब। असीम छाबड़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी आप बहुत बिजी चल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान में आकर आप इतने बिजी हो जाते हैं। अगर तो अभी मैं आपको NRI कहूं या अमेरिकन सिटीजन कह सकता हूं? वैसे पासपोर्ट तो अमेरिकन है। तो शशि कपूर ही क्यों? तो शशि कपूर का जी, मैं तो बहुत फैन रहा। मैं एज ए टीनेजर मैंने स्कूल में स्किप किया था शर्मिली देखने के लिए, उसके बाद 70s में दीवार वगैरह, त्रिशूल, वो सब फिल्म देखी। पर एक और बात थी कि जब मैं अमेरिका आया 1981 में, इनफैक्ट 82 में न्यूयॉर्क में एक म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है, तो उन्होंने एक मर्चेंट आइवरी का रेट्रोस्पेक्टिव किया था। मर्चेंट आइवरी, इस्माइल मर्चेंट इंडियन थे, गुजर गए, और जेम्स आइवरी अमेरिकन डायरेक्टर थे। तो उन्होंने फिल्में बनानी शुरू करी इंडिया में ही, बट यू नो पैसा अमेरिका से आ रहा था। तो उनकी पहली फिल्म थी हाउस होल्डर, 63 में बनी, उसमें शशि कपूर थे, लीला नायडू थी और दुर्गा खोटे थे थी। और उसके बाद उन्होंने बनाई शेक्सपियर वाला 65 में। तो शशि कपूर ने जेम्स आइवरी के साथ चार फिल्में करी और दो और मर्चेंट आइवरी की फिल्म्स करी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब न्यूयॉर्क में रह रहा था तो ये फिल्में देखने का मुझे बार बार मौका मिलता था। ये फिल्में इंडिया में आई हैं, कुछ फिल्में आई हैं, लेकिन इतनी देर चली नहीं है, लोग भूल गए हैं। मैंने ये रियलाइज किया कि शशि कपूर को लोग भूल गए हैं। यू नो अमिताभ बच्चन उनके कंटेम्प्रेरी थे एक तरह से, ऑल्दो अमिताभ स्टार्टेड हिज करियर करीबन 5-10 साल पहले, बाद में 10 साल के बाद, हाँ 10 साल के बाद, बट इकट्ठा ही काम उन्होंने उनका शुरू हुआ इन वे कह लीजिए। मैंने अपने कजन्स के बच्चों से बात करी कि मैं शशि कपूर पर किताब लिख रहा हूँ, तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये ऋषि कपूर के अंकल है, वो भी उनको ज्यादा समझ नहीं आया। जब रणबीर कपूर के ग्रैंड अंकल बताया तब उनको समझ आया। तो मैंने कहा कि इतना कमाल का एक्टर था, इतना हैंडसम, इतना चार्मिंग एक्टर था, और नॉट जस्ट दैट कि इंडिया का फर्स्ट क्रॉसओवर स्टार के लिए, लॉन्ग बिफोर प्रियंका चोपड़ा एंड इरफान खान, उन्होंने फिल्म्स इतनी कमाल की प्रोड्यूस करी, जुनून, कलयुग, पृथ्वी थिएटर जो मुंबई में जो है इंस्टीट्यूशन है, देयर इज नो सच इंस्टीट्यूशन और इंडिया में कहीं पे ऐसा नहीं है। शशि कपूर साहब फिल्मों में एक्टिंग ही नहीं करना चाहते थे और गाना तो कतई नहीं गाना चाहते थे, लेकिन ये दोनों काम किसने करवाया उनसे? अजीम छावड़ा साहब, शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार, ये कमाल की किताब है, इसके ऑथर हमारे साथ बने हुए हैं, तो वो हमें बताएंगे। और आज बात एक बहुत ही खास स्टार की। वैसा स्टार हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्या हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं? और ये बखूबी लिखा है अपनी किताब शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार में असीम छाबड़ा साहब, जाने माने जर्नलिस्ट हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों के बारे में हमेशा लिखते रहते हैं। असीम, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत 92.7 बिग एफएम पर। एक और चीज लगती है कि स्टारडम उनको बहुत लेट मिला है, लेट या मिड 60s के अराउंड, बेसिकली जब फूल खिले वाज द टर्निंग पॉइंट, उसके बाद वक्त आई। ये इल्म था उनको कि अब वो एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं? उनको पता था कि स्टार बन गए हैं, मतलब शुरू में देखिए तो शशि कपूर ने जब फिल्म स्टार्ट करी तो फिल्मों में एक्ट करना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो थिएटर में एक्ट करें, पर थिएटर से पैसे नहीं बनते थे, शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी पैदा हो चुका था, साउथ बॉम्बे में रह रहे थे, तो इसलिए फिल्म में एक्ट करना शुरू किया। उनकी जो दूसरी फिल्म है धर्मपुत्र यश चोपड़ा के साथ, तो यश चोपड़ा के साथ शशि कपूर ने आर्ग्यूमेंट करी कि मैं गाना नहीं गाऊंगा, मतलब लिप सिंक भी नहीं करूंगा, पर यश चोपड़ा ने फिर उनको फोर्स करके दो लिप सिंक के गाने गाए, एक बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग है। जब फूल खिले के टाइम तक पहुंच गए और वक्त के टाइम पे, देन ही वाज क्वाइट हैप्पी। उनको मालूम था कि ये इंडस्ट्री है, दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर, यही करूंगा। स्टार बने, पर उनका जो स्टारडम था
यू नो ईगो नहीं बनी. काफी रीजन हो सकते हैं. वन ऑफ द रीजन जो मैंने किताब में काफी बार मेंशन किया है, उनकी वाइफ का बहुत इन्फ्लुएंस था. ही वाज मैरिड टू जेनिफर कैंडल, ब्रिटिश एक्ट्रेस, स्टेज एक्ट्रेस थी. और जेनिफर ने, एक तो साउथ बॉम्बे में रहते थे तो बाकी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर थे, जेनिफर ने अपने जो घर में जो लाइफ मेंटेन करी, बड़ी सिंपल लाइफ मेंटेन करी. घर में टीवी नहीं था, बच्चे जो थे, तीन बच्चे, दो लड़के हैं और एक लड़की है, बच्चे रेगुलर ये बेस्ट बसेस में जाते थे. मालूम था उनको कि उनका फादर बहुत बड़ा स्टार बन गया है. खुद भी अपने फादर की बहुत कम फिल्में देखते थे. मैंने संजना से बात करी, उसने बहुत कम फिल्में देखी उनके फादर के साथ. अब वो कहती है कि नाउ दैट हर सन इज ग्रोन अप, तो अपने बेटे के साथ बैठ के देखेंगी. सुबह 7 बजे उठ के 7:30 बजे सुबह बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट जरूर करना, नो मैटर किस वक्त रात को आए हैं, जब अगर बॉम्बे में हो. तो बाकी कपूर खानदान को देखी तो उनसे काफी उनका जो ईटिंग हैबिट्स थी, ड्रिंकिंग शशि कपूर ने बड़ी मॉडरेशन में करी, तो काफी डिफरेंट रहे उस तरह से. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी से ये नाम भी आता है, द हाउस होल्डर, द स्टार. राइट. यहाँ पे द हाउस होल्डर सिर्फ वो फिल्म नहीं है. हाँ. यहाँ पे वो भी चीज है जो अभी अभी आपने बताई है. और कहीं ना कहीं इसका बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस दिखता है शशि कपूर साहब के. मेरा इंटेंट किताब लिखने का यही था कि लोग शशि कपूर को डिस्कवर करें. शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार बहुत ही खूबसूरत किताब है. उस स्टार को अगर हम बहुत गौर से जानना चाहते हैं तो ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़िएगा. अभी असीम छाबड़ा, उस किताब के ऑथर, हमारे साथ हैं. थोड़ी देर में जानेंगे कि इस इंडस्ट्री में शशि कपूर साहब के सबसे क्लोज कौन रहे और कौन सा डायरेक्टर शशि कपूर साहब में अपना अक्स देखता था. मैं सिद्धार्थ, 92.7 बिग एफएम पर, और आज एक बहुत ही खास शख्सियत की बात. शशि कपूर, ऐसा डैशिंग, ऐसा चार्मिंग स्टार हमने कभी नहीं देखा. आज भी लोग उनके उतने ही दीवाने हैं, और इस दीवानगी को ही बहुत अंदर से कैप्चर करने की कोशिश की है एक किताब में, जिसका नाम है शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार. जरूर पढ़िएगा मौका मिले तो. उसके ऑथर असीम छाबड़ा साहब वैसे तो न्यूयॉर्क में रहते हैं, बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट हैं. आज खासतौर पर हमारे साथ 92.7 बिग एफएम पर. बहुत बहुत स्वागत असीम. आपने तो इतने लोगों से बात की है इस बुक में, कई लोगों के रेफरेंसेज हैं. उनके दोस्त कौन रहे इंडस्ट्री में, बहुत क्लोज जिनके रहे वो? उनका वन ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वाज अ मैन कॉल्ड यश चोपड़ा. यस. वो फ्रेंडशिप धर्मपुत्र के साथ हुई, उसके बाद वक्त बनी, और वक्त के बाद ऑलमोस्ट 10 साल लगे जबकि यश चोपड़ा के साथ उन्होंने फिर से काम किया दीवार में. उसके बीच में यश चोपड़ा ने 2-3 फिल्में बनाई, फिर राजेश खन्ना ने एक्ट किया उनमें, पर फ्रेंडशिप उनकी बहुत डीप थी. यश चोपड़ा इन अ वे सॉ, एक तो वो पंजाबी थे तो उससे बहुत, और उनका तीसरा फ्रेंड था देवन वर्मा. ये मैंने सुना है. हाँ. मुंबई की सड़कों पे बहुत चकल्लस किया करते. हाँ, थे ये लोग बहुत फ्रेंड्स हैं. और देवन वर्मा, व्हेन ही वाज अबाउट टू मैरी अशोक कुमार्स डॉटर, तो बड़ी ऑपोजिशन थी, तो शशि कपूर और यश चोपड़ा ने बहुत हेल्प किया. पर यश चोपड़ा जो ने जो 2 फिल्में बनाई हैं, जो उन्होंने खुद स्क्रिप्ट लिखी है, कभी कभी और सिलसिला, उसमें जो शशि कपूर का जो कैरेक्टर है, दैट वाज ऑलमोस्ट यश चोपड़ा ओन पर्सनैलिटी. यश चोपड़ा सॉ हिमसेल्फ इन शशि कपूर, और शशि कपूर को उसी तरह के उन्होंने रोल दिए, तो वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी. एक शशि कपूर के बहुत अच्छे फ्रेंड अनिल धारकर जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं. जेनिफर कैंडल कपूर का, बिकॉज वो बॉलीवुड से बाहर रहती थी, फिल्म इंडस्ट्री से बाहर रहती थी, तो बहुत थोड़े लोगों को घर में बुलाती थी. तो अनिल धारकर वाज वन ऑफ द पीपल. यश चोपड़ा, इस्माइल मर्चेंट के साथ इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी. ये कैसे शुरू हुई ये फ्रेंडशिप, अगर आपको पता चला? वो तो 1960 अर्ली 60s में इस्माइल मर्चेंट अमेरिका गया थे MBA करने के लिए, बट ही वांटेड टू मेक फिल्म्स. और जेम्स आइवरी के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप करी, जेम्स आइवरी वांटेड टू डायरेक्ट फिल्म्स. तो इस्माइल मर्चेंट को देखिए, अर्ली 60s में शशि कपूर वाज अ टोटल फ्लॉप एक्टर, बट उन्होंने शशि कपूर में कुछ देखा. एक तो खैर ही वाज वेरी वेरी गुड लुकिंग, और कपूर खानदान के थे, पर ही सॉ समथिंग है शशि कपूर के, इसी एक्टर के साथ मैंने काम करना है. तो मर्चेंट आइवरी के जो शुरू की फिल्में हैं, हीट एंड डस्ट तक, और उसके बाद 93 में इस्माइल मर्चेंट ने इन कस्टडी मुहाफिज बनाई, वो फिल्में दैट सेटिस्फाइड शशि कपूर इंटरेस्ट, हिज सोल, हिज लव फॉर जो गुड आर्ट कहेंगे, जिसको गुड सिनेमा कहेंगे. तो इस्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी ने वो उनका इंटरेस्ट रखा, तो उससे फ्रेंडशिप हो जाती है फिर. जी, और फ्रेंडशिप निभाना बहुत अच्छे तरीके से आता है शशि कपूर साहब को. शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार, बहुत ही कमाल की किताब, पढ़िएगा जरूर. इसके ऑथर असीम छाबड़ा साहब आज हमारे साथ हैं. शशि कपूर साहब का चाम छाया हुआ है आज. कैसे अलग हैं शशि कपूर साहब बाकी कपूर से, जो कपूर फैमिली है, ये बताएंगे असीम छाबड़ा. और आज सबसे ज्यादा चार्मिंग डैशिंग स्टार के बारे में अगर आपसे पूछूं तो किसका नाम आएगा उस लिस्ट में? सबसे ऊपर
शशि कपूर साहब, उनकी बात हो रही है और उनके बारे में बात करने के लिए वो इंसान जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है उनकी जिंदगी के बारे में, उनके स्टारडम के बारे में, शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार। असीम छाबड़ा साहब, जाने माने जर्नलिस्ट, आज हमारे साथ हैं। असीम जी, बहुत बहुत स्वागत। और एक जो चीज ये बुक को शुरुआत में पढ़कर ऐसा लगता है कि एक कपूर फैमिली है, ओल्डेस्ट फैमिली है बॉलीवुड की, क्योंकि ऑलमोस्ट जब से फिल्में शुरू हुई हैं तब से कपूर फैमिली है। पृथ्वीराज कपूर एक्टेड इन आलम आरा आल्सो, यस, द फर्स्ट टॉकी। कपूर्स से शशि कपूर साहब कितना अलग पाते हैं आप? बहुत, मतलब अलग बहुत थे, लेकिन ही वाज बिल्कुल अपने फादर के बेटे थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया, तो पृथ्वीराज ने कहा ठीक है, यू नो स्कूल नहीं चल रहा, इफ यू वांट टू, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप मेरे बेटे हो तो आपको लीड रोल मिलना शुरू हो जाएगा। सो पृथ्वीराज कपूर ने शुरू से सिखाया, इनफैक्ट राज कपूर और शमी कपूर को भी सिखाया था कि बिल्कुल लोएस्ट लेवल से लाइट्स उठाना पड़ेगा, जो बाकी जो सब लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करो, ये नहीं है कि यू नो आप ओनर के बेटे हो। तो वो ट्रेनिंग शशि कपूर के साथ रही। अब आज के जमाने में कपूर फैमिली के देखिए, रणबीर तो बहुत बड़ा स्टार है, करीना बहुत बड़ी स्टार है, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, बिकॉज वो जिस एज में बॉर्न हुए हैं और जो उनका एक्सपोजर है बहुत डिफरेंट था। पर शशि कपूर, वो जो बचपन से जो उनको टीनेज ईयर से उन्होंने जो सीखा, दैट स्टेड विद हिम। काफी लोगों की स्ट्रगल होती है, इनकी काफी स्ट्रगल थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना फेमस फादर था, राज कपूर बहुत फेमस डायरेक्टर हो चुका था अर्ली 60s में, शशि कपूर को कोई काम नहीं दे रहा था। करेक्ट। पर शशि कपूर की कमाल की बात यह है, मैंने कई लोगों ने मुझे बताया, शर्मिला टैगोर ने, यश चोपड़ा की वाइफ जी ने बताया मुझे, पैमेला चोपड़ा ने, शशि कपूर एक तो फर्स्ट पर्सन टू अराइव द सेट वाज शशि कपूर। और पहले आते ही वुड गो सब टेक्नीशियन से, सब मेकअप आर्टिस्ट से जाके शेक हैंड करते थे, हेलो मेरा नाम शशि कपूर है, जैसे कोई जानते नहीं है कौन है, और सबके साथ बैठ के चाय पीना। ही वॉज बहुत डेमोक्रेटिक तरह के आदमी थे। तो कपूर फैमिली का तो छोड़िए, आजकल की जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, इतनी हायरार्की हो जाती है, आजकल के स्टार्स बिल्कुल ऐसा नहीं करते, मतलब कि मिक्स करेंगे, पर शशि कपूर हमेशा, और पार्टीज देते थे सारे कास्ट क्रू को, पार्टीज देना बहुत ही, यू नो उनका जो दिल था वेरी लार्ज हार्ट। जेनिफर कपूर, अपनी वाइफ के जाने के बाद शशि कपूर साहब की जिंदगी कितनी बदल गई। और आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हैं जाने माने जर्नलिस्ट ऑथर असीम छाबड़ा साहब, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है जिसको हम स्टार की तरह तो जानते हैं लेकिन उस स्टार की जिंदगी में क्या हो रहा था। शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार, ये किताब लॉन्च हो चुकी है, अवेलेबल है, प्लीज अगर मौका मिले तो पढ़ें जरूर। और आज शशि कपूर साहब की बात। असीम, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से 92.7 बिग एफएम पर। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखा था उन्होंने अपनी लाइफ में। जेनिफर के जाने के बाद क्यों इतना टूट गए हो? आई थिंक जेनिफर वॉज रियली हिज सोल, जैसे कहते हैं ना, जैसे वो उनकी एंकर थी, यू नो शी रियली टुक हिम अलोंग। तो उनकी डेथ के बाद ही वॉज अ टोटली ब्रोकन मैन। इनफैक्ट हनीफ कुरैशी ने मुझे ये कोट दिया था कि ही वॉज टोटली ब्रोकन मैन। ड्रिंकिंग उन्होंने बड़ी शुरू कर दी थी और उनके बच्चों ने बहुत कोशिश करी उनको स्टॉप करने के लिए। जेनिफर इतना वॉच करती थी उनको खाने के लिए। नीटू सिंह ने मुझे बताया कि नीटू सिंह के साथ शशि कपूर ने बहुत फिल्में करी थी। तो वो ड्यूरिंग द शूट लंच के लिए सब लोग बैठते थे तो शशि कपूर अपना लंच निकालते थे, इतना छोटा सा दही का कटोरी और एक संतरा। एंड नीटू वुड से कि शशि अंकल ये आप कर क्या रहे हो, क्या खा रहे हो, नीचे माई वाइफ विल किल मी कि मैं और कुछ खाऊंगा। तो जेनिफर वॉच्ड हिम और इसलिए शशि कपूर का जो फिगर था उसके का चेहरा पूरी बॉडी इतने स्लिम रहे। He was the leanest Kapoor. Yeah, but yeah. He stayed because his wife watched yes, over him. Yes, yes, yes. तो वाइफ के डेथ के बाद उनको बहुत सदमा पहुंचा, बहुत ही शॉक हुआ। He was completely broken. शशि कपूर द चार्मिंग शशि कपूर द डैशिंग शशि कपूर, उनके लिए मोहब्बत आज भी कायम है और उसी मोहब्बत के लिए एक किताब लिखी गई है, शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार। क्या ये किताब शशि कपूर साहब तक पहुंच पाई है? जानेंगे असीम छाबड़ा जी से। और भी कुछ रहता है जानने को शशि कपूर साहब के बारे में। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं हूं सिद्धार्थ, 92.7 बिग एफएम पर। आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक और बहुत ही अजीम शख्सियत मौजूद है, असीम छाबड़ा साहब, जाने माने जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, और उनकी एक किताब हम सब के बहुत ही ज्यादा फेवरेट शशि कपूर साहब पे आई है, शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार। और आज उसी किताब के बारे में बात हो रही है और शशि कपूर साहब के बारे में बात हो रही है। इतना कुछ है जानने को
उस चार्मिंग पर्सनालिटी के बारे में। असीम बहुत बहुत स्वागत 92.7 बिग एफएम पर। क्या ये हॉलीवुड में भी होता है कि कोई एजिंग स्टार है अगर तो क्या लोग उसको भूल जाते हैं या उनको रेफरेंस देना पड़ता है कि भाई ये उनके दादा हैं या उनके फादर हैं, या ऐसा नहीं होता है वहां पे? हॉलीवुड में लोग ज्यादातर भूलते नहीं है। हॉलीवुड में इतने भूलते नहीं है बिकॉज फिल्में दिखाई जाती हैं, टेलीविजन पे बहुत फिल्में आती हैं, इंटरनेट पे यू नो ज्यादा स्कूलों में दिखाते हैं। एक तो भाई आई एम वेरी इंप्रेस कि अमेरिका में स्कूलों में फिल्म अप्रिसिएशन बहुत होता है। आर्ट हाउस थिएटर्स होते हैं काफी सारे, अभी रह चुके हैं, न्यूयॉर्क में है, एलए में है, यूनिवर्सिटी टाउन में होते हैं, तो लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है पुरानी फिल्मों को देखने। एक क्वेश्चन असीम आपसे पूछूंगा मैं जाते जाते, क्या शशि कपूर साहब के हाथ में ये बुक पहुंची? देखिए कुणाल के हाथ में तो पहुंच चुकी है और संजना ने भी के हाथ में भी पहुंच चुकी है। शशि कपूर की तबीयत बहुत खराब है, मैं जानता हूँ। इसमें एंड ऑफ किताब में एक मैंने फोटो डाली है जो मेरे फ्रेंड ने पृथ्वी थिएटर पे ली थी, वो जो बांसुरी वाले भी बांसुरी वाले वो अर्ली जनवरी फरवरी की अभी रिसेंटली है, तो अभी भी कभी कभी पृथ्वी थिएटर जाते हैं। बट पता नहीं उनको कितना अवेयरनेस है, डिमेंशिया जो उनको होगा ना उसके, राइट, तो But I'm sure कि उनके हाथ में ये किताब जाएगी तो I would love that. He will be a very happy person to see that, you know, that and ये आपने अच्छा कहा कि लोग भूल गए हैं, लेकिन मैं इससे पूरा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं रेडियो पे कई बार बात करता हूँ अपने स्टेशन पे शशि कपूर साहब की, उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी इंटैक्ट है। Excellent. तो आई एम श्योर कि इनकी दीवानगी बहुत ज्यादा है और ये दीवानगी इस बुक से द हाउस होल्डर द स्टार से भी निकलेगी। असीम पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ये बहुत जरूरी था और ये आपने किया है, इसके लिए आपको कई लोगों की दुआएं मिलेंगी जो पढ़ना और देखना चाहते थे शशि कपूर साहब को बहुत अंदर से। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, आई एम श्योर कि ये हर जगह से सोल्ड आउट हो जाए। आई होप सो, और आई होप लोग शशि कपूर की फिल्में देखें फिर से। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। वो गाना जो शशि कपूर साहब के फ्लैम्बॉयंस को, उनके चार्म को पूरे तरीके से कैप्चर करता है। आज शशि कपूर साहब की बात, खुश रहें, मुस्कुराते रहें शशि कपूर साहब, यही हम सब की दुआ है। और अगले हफ्ते अगले संडे को वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में एक और फिल्मी हस्ती की बात। तब तक के लिए शुक्रिया, इजाजत। मैं सिद्धार्थ, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।